संडे जा रहा है, किनवा की सैलड। किनवा की सैलड बहुत ही हेल्दी रहती है और हमारे लिए एक फुल मील का काम भी करती है। आइए बनाते हैं हम किनवा की सैलड। किनवा की सैलेड बनाने के लिए हम एक पैन में पानी रखेंगे और उसमें थोड़ा नमक डाल के और इस पानी को हम करेंगे बॉयल और ओवरनाइट भीगे हुए किनवा को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। उबलते हुए पानी में हम धुला हुआ किनवा डाल देंगे और इसको पकने देंगे सॉफ्ट होने तक। जितनी देर में किनवा बॉयल हो रहा है हम लेंगे बेबी पालक, आइसबर्ग और बेसिल। इन सबको हम बिल्कुल पतली पतली काट लेते हैं। किनवा को हम चेक कर लेते हैं, सॉफ्ट हो गया, अच्छे से बॉयल हो गया, हम इसे छान लेते हैं। छने हुए किनवा को हम फ्रिज में ठंडा कर लेते हैं। इस ठंडे किनवा से सैलेड बनाएंगे। हमारे पास कटी हुई है लेट्यूस, पालक, बेसन और खीरा भी पतला पतला काट लिया है हमने। कटी हुई लीव्स को हम एक बॉल में एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी स्वीट इनियन सॉस, थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें मेयोनी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े ब्लैक पेपर, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके और हम एक तरफ रख देंगे। अब हम सलाद को जब प्लेटर है ना वो तैयार करेंगे। हम डालेंगे ठंडा ठंडा किनवा एक तरफ डिश में और एक तरफ हम डालेंगे ये सारी जो हमारी लीव्स कटी हुई है ना ये, और इनको अच्छी तरह से ड्रेसिंग करेंगे हम। थोड़ा सा हम रखेंगे यहाँ पर खीरा बिल्कुल बारीक पतला कटा हुआ, बीटरूट है, इस पर डालेंगे थोड़ा सा बीटरूट एकदम पतला कटा हुआ, थोड़ा सा डालेंगे हम अनार और इस पर हम बेसिल लीव्स भी सेट कर देंगे। ऊपर से थोड़ी सी स्वीट अनियन सॉस और डाल देंगे और ये हमारा सैलेड बनके बिल्कुल तैयार है। इस सैलेड पर हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, थोड़ी किशमिश भी डाल सकते हैं और खाते टाइम इसको अच्छे से मिक्स करके भी खा सकते हैं। देखने में तो सुंदर है ही है, खाने में बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ट्राई जरूर कीजिएगा। कैसी लगी आपको ये सैलेड वाली रेसिपी? है ना सिंपल, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको लगेगा हफ्ते में दो बार तो किनवा सैलेड बना ही लेते हैं। जरूर से अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। जब आप बताएंगे तब भी मुझे पता चलेगा ना। और हाँ, मेरा चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी नई नई रेसिपी मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।